नमस्कार, मैं जंगू डिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। ये जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो आज की महिलाएं हैं वो सिर्फ चार दीवारों के बीच सीमित नहीं है। आजकल के जो पुरुष कर सकते हैं वही महिलाएं भी उससे बेहतर कर सकती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो हमारे राज्य की महिलाएँ हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? या हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में महिलाएँ सुरक्षित हैं? तो उसी के चलते इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास महिला जुड़ी है जो कि लीगल लेडी से जानी जाती है। तो मिस ज्योति जी, आपका स्वागत है हमारे ईस्टर्न जर्नल पर। जैसे कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया आपके बारे में, आप एक लीगल लेडी के नाम से जाने जाते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताएं कि ज्योति जोंगरू जी कौन है। ज्योति जोंगरू जी एक सिंपल सा लड़की है जो एक डिस्ट्रिक्ट से, शायद अभी तो बिचुम डिस्ट्रिक्ट बन गया, पहले तो बोमडिला था, वेस्ट कमिंग था, मतलब अभी बिचुम डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो वहाँ से, एक छोटा जगह से मैं आई हूँ और अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और मेरा बहुत सारा जगहों पे ब्रांच भी है जो अभी चल रहा है। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जगहों पे आपका ब्रांच भी है, तो आपकी, आपने जो अभी जो कर रही है वो बहुत ही काबिली तारीफ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लॉ एज अ कैरियर आपने कैसे चुना, कैसे आया कि हाँ मुझे लॉ करना है? हमेशा मैं बताती हूँ इंटरव्यू में, कहीं भी जाती हूँ तो मैं यही बताती हूँ, जब मैं क्लास 7 में था तभी से मैं सोचती थी कि मुझे लॉ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऐसा कुछ फेस किया है सोसाइटी में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सोसाइटी तो बहुत अच्छा है, बट होता है ना कुछ कुछ सिचुएशन में आपको लगता है कि मतलब आपको लॉ लेना चाहिए। कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप अपना राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, और कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए लॉस। सो मेरा भी एक ऐसा सिचुएशन था, मुझे ऐसा लगा कि सिंस इन आवर फैमिली हम लोग सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो सोसाइटी में एक समय था जहाँ पे लोग मेल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्रिफर करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि बाद में फ्यूचर में जाके क्या होगा। तो आई एम द एल्डेस्ट इन माई फैमिली, सो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं एडवोकेट बनती हूँ, और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट है ही, तो मेरे लिए भी अच्छा है, और मैं बाकी मेरा जो सिस्टर्स है उनको भी मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँगी, और जो मेरे फैमिली है एंड सोसाइटी के लिए भी मैं बहुत कुछ कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगा कि लो जानूंगी तभी तो किसी और के लिए भी राइट्स के लिए लड़ूंगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ मुझे लो लेना चाहिए। और बहुत पहले से मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे लॉयर ही बनना है। ओके, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा हमें, कि क्योंकि ऐसा होता है कि घर का सबसे बड़ा लड़की स्पेशली तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। जैसे आपने कहा कि सिर्फ आपके घर पे सिर्फ बेटियां हैं, तो मुझे लगता है कि जैसा आपने स्टेप लिया है वो हमारी जो दर्शक जो देख रहे हैं, आप भी उनसे कुछ इंस्पिरेशन लीजिए। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपने अपने लॉ फर्म के बारे में बताया, वो इंटरनेशनल भी है जैसे कि वियतनाम और फिलीपींस तक है, तो आप हमें इसके बारे में और कुछ बता सकते हैं अपने लॉ फर्म के बारे में? आप कैसे जानना चाहते हैं कि कहाँ कैसे पहुँचा या आप क्या जानना? कैसे पहुँचा वहाँ तक, मतलब इंडिया में नहीं, आप इंटरनेशनल तक आप पहुँच चुकी हैं, तो उसके बारे में बताइए। मुझे लगता है ना, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेड ऑफ। सो यही है, लगता है कि मैं ऐसा एक लड़की हूँ जहाँ मुझे बहुत क्योंकि मेरा पसंदीदा प्रोफेशन है ये लॉ, मतलब एडवोकेसी, सो उस वजह से ना मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और मैं बहुत सिंसियर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि ये प्रोफेशन में आपका सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, मेहनत बहुत ज़रूरी है, और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। सो मेरा अंदर में ये है, इवन माई जूनियर्स और माई एसोसिएट्स इन लोग भी ये बोलते हैं कि मैम आप कब सोता है, क्योंकि उन लोगों को 2-3 बजे भी मैसेज मिलते हैं, और अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले मैसेज मेरा मिलता है, लाइक जो हम लोग का एक ग्रुप होता है। सो इसीलिए मैं, जैसे कि आप स्मार्ट होते हैं, या तो मैं खुद को स्मार्ट तो नहीं बोलती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि आपको हार्ड वर्क भी करना चाहिए और थोड़ा स्मार्ट भी होना चाहिए ये प्रोफेशन में। तो जैसे मुझे मौका मिला, जब दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, तो मुझे मौका मिला वहाँ पे जाने का, और वहाँ पे मुझे ऐसा स्पीकर बुलाया था, ऐसा गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया था, तो मैं वहाँ पे
अटेंड करने गई थी तो वहाँ पे मैंने एक स्पीच दिया था, तो वो स्पीच मैंने अपना लीगल लेडी पेज पे भी डाला है. तो वो जो स्पीच था वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गया था. एंड जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे बहुत सारे लोग आया हुआ था जो बाहर का भी था. तो ऐसा होता है ना कि अगर आप वो आपको जो पब्लिक को सुनना चाहते हैं और जो ज़रूरत है, शायद मैंने ऐसा बात बोल दिया होगा जिनके वजह से उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया फॉर सम कॉन्फ्रेंस इन थाईलैंड हो गया, और जहाँ पे मतलब वहाँ जाके मैंने अटेंड किया. तो जब वो कॉन्फ्रेंस में मैं अटेंड किया तो मुझे बहुत लोगों के साथ में मतलब मिलने का मौका मिला और मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा है. देन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज ऑफ लाइक डिफरेंट कंट्री की जो हम लोग का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, इंडिया टू फिलीपींस और इंडिया टू वियतनाम. तो मैं सोचती थी कि अरे ऑब्वियसली इनका भी तो कोई होगा, मतलब एडवोकेट तो जरूर होगा, इनका भी लीगल एडवाइजर तो जरूर होगा. तो और ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ कुछ केसेस भी तो होगा रिलेटेड टू दिस. तब जाके मैंने रिसर्च करने लगा और मैंने इंटरव्यूज दिया, तब जाके सेलेक्शन हुआ. तो वही कि आपको मेहनत का साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट भी होना पड़ेगा. और शायद मेरा किस्मत अच्छा था, या मैं क्या बोलूँ कि मैंने वो कॉन्फ्रेंस में अटेंड करके और मेरा जो स्पीच था इतना मतलब लोगों को पसंद आया कि मुझे मौका मिला कि मतलब थाईलैंड जाने का, रिप्रेजेंट करने का इंडिया को, और वहाँ जाने का बाद में बहुत कुछ पता चला. तो जिस वजह से मैंने इंटरव्यू देखे तो वहाँ पहुँचा. तो लाइक लकीली और मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी वहाँ पे भी मेरा काम चल रहा है, और वहाँ पे वियतनाम में भी अभी चल रहा है काम बहुत अच्छा से, और इंडिया में तो चल ही रहा है. जैसे आपने कहा ना कि हार्ड वर्क तो हर कोई करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क भी जरूरी है और साथ साथ में थोड़ा सा किस्मत भी होना जरूरी है. एग्जैक्टली. तो ज्योति जी, मेरा ये तो हमने आपके बारे में जाना ना, आप क्या करता है, आप कौन है. तो अभी हम ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है हमारे जो देश का, हमारे राज्य का. हम देखते हैं कि महिलाएं हैं ना, यहाँ की जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत सारे क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से ना गुजरती है. ये उनका किसी किसी का तो ये हर दिन का रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस, रिलेशनशिप. तो कोई कोई ऐसा होते कि सामने आकर बोलते हैं ना कि ऐसा ऐसा हुआ है, या पुलिस कंप्लेन करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसा वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन होता है या हेल्प ग्रुप कुछ होता है उनके पास जाते हैं. तो फिर कोई कोई ऐसा होते कि बहुत मतलब कह सकते हैं अनपढ़ है, तो बोल नहीं पाते, चाहकर भी नहीं बोल पाते. तो आप एक लेडी एडवोकेट हो, तो उन महिलाओं को आप क्या सुझाव देना चाहते हो, किस तरह से आपको लगता है उनको क्या करना चाहिए इस मामले में अगर वो इस चीज से जूझ रहे हो तो. एक्चुअली ना ये डोमेस्टिक वायलेंस ना, कभी कभी मुझे लगता है कि हम औरतों का भी गलती है इसमें, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि बर्दाश्त करते हैं. हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, या तो हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं कि जो भी आप हमको कर रहे हैं कर सकता है. लेकिन ये एक गलत एग्जाम्पल है फॉर योर किड्स ऑल्सो, क्योंकि अगर आप उसको बर्दाश्त करेगा तो आपका जो आने वाला जो आपका जो जो बेटी है वो तो वही को देख के सीखेगा. वही चीज़ को कि मेरा मम्मी भी बर्दाश्त करता था जब उसको मेरा पापा जब उसका साथ में अब्यूज़ करता था या तो कुछ भी करता था, तो बर्दाश्त करता था तो मुझे भी करना चाहिए. तो बेटी भी एक एग्जांपल मिलेगा बेटी को भी. और एट द सेम टाइम फादर जब ऐसा करता है ना, वो अपना बेटा को भी यही एक सीख देता है कि मतलब आप औरत को हाथ उठा सकता है, जबकि हम आपको माँ को भी हाथ उठाता था. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, ऐसा टाइप का. तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग का ही गलती है, लाइक औरतों का ही गलती है कि बर्दाश्त करता है ना. वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए आपको. वेरी बिगिनिंग में बहुत पहले ही उसे आप बता देना चाहिए कि आपका एक लिमिट है, आप ये लिमिट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और मैं भी इतना तक ही बर्दाश्त कर पाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं है. तो इसलिए ये सब चीज़ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मैं तो स्पेशली वुमेंस को बोलूँगी कि ये चीज़ को इतना टॉलरेट मत कीजिए और इतना बर्दाश्त मत कीजिए, क्योंकि आप ये सब चीज़ को बर्दाश्त करके एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपना बेटी के लिए भी, अपना बहू के लिए भी, जो आपके अड़ोस पड़ोस में आपके बहन के लिए भी एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए. और यहाँ पे स्पेशली क्या होता है कि ना, डोमेस्टिक वायलेंस तभी होता है जब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, राइट. और अरुणाचल में कहीं ना कहीं लोग बोलता है कि पॉलीगेमी जो है वो एक कस्टमरी लॉ है जो अलाउ करता है पॉलीगेमी करने के लिए. बट ये चीज़ लोग नहीं समझते कि कस्टमरी लॉ जो है पहले
इसलिए करता था लोग डबल शादी या तो पॉलीगेमी इसीलिए प्रैक्टिस करता था कि उस समय में उन लोग का अलग होता था कि मतलब करना ही चाहिए, ऐसा एक मैंडेटरी था शायद, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि पहले क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय में एक मैंडेटरी था कि आपको शादी करना पड़ेगा, मतलब अगर दीदी को कुछ हो जाता है तो आपकी बहन को लेना है, इस टाइप का एक उस समय में था शायद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी का समय में जब हम लोग ये 21st सेंचुरी में, तो मुझे लगता है कि लाइक पॉलीगेमी करना इट्स नॉट नेसेसरी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये सब चीज़ में वमेन ही साथ देता है। बोलते ना कि एक औरत ही औरत का दुश्मन होता है, एक कहावत है, वो लोग मतलब खुल के नहीं बोल पाता है। yes. मतलब जब पति ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है तो उसी टाइम में मुझे लगता है उसी टाइम में उनको आवाज उठाना चाहिए। एग्जैक्टली उसी समय में आवाज भी उठाना चाहिए, ना एट द सेम टाइम जो अनदर वुमेन है, जो जो जिसके साथ में जो भी अफेयर चल रहा है, बीइंग अ वुमेन उनको भी समझना चाहिए। yes, कि exactly. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना हम लोग का अपना ऊपर में होता है, जो पॉलीगेमी जो होता है या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है, लोग बोलते हैं प्यार में हम लोग लाइक प्यार में डूब गया था, ब्लाइंड हो गया था, इसलिए मतलब अभी तो नहीं छोड़ सकते हैं शादीशुदा होने से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ एक बहाना है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ना सी मैं भी एक औरत हूँ एंड लाइक अभी मैं बैचुलर हूँ, राइट? सो ऑब्वियसली अगर मैं बदसूरत भी हूँ तब भी कोई ना कोई मुझे पसंद करने वाला होगा। तो अगर मैं एक एक चीन बनाऊँगी कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद अ मैरिड पर्सन, राइट? सो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ आप एक लाइन नहीं बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ एक एक एक्सक्यूज है। तो मुझे लगता है कि बीइंग ए वीमेन हम लोग एक दूसरे का घर को नहीं तोड़ना चाहिए, और हो सके तो जैसे आपका पास में इतना सुंदर एक फिजिक्स दिया हुआ है, राइट? और इतना टैलेंटेड है आप, इतना कुछ कर सकता है, क्यों अपना लाइफ को, जो लोग आपको अभी आपको सेकेंड में शादी कर रहे हैं उसको समझने लगेगा थर्ड फिर लेने के लिए ना, फिर जो फर्स्ट ने फेस किया है सेकेंड भी वही फेस करेगा, फिर थर्ड भी वही फेस करेगा, तो आप क्यों खुद को इतना कमजोर बना रहे हैं? आप खुद स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए, अपना इंडिपेंडेंट बन सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप मतलब वही चीज को, प्यार भी अगर आप चाहे ना दिल दिमाग को आप समझा सकते हैं इन द वेरी बिगिनिंग। अगर आपको पता चल गया कि ये मेरिड पर्सन है, इट इज़ अप टू यू, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि हम खुद भी तो अभी वो स्टेज में है, लाइक ऑब्वियसली हमको भी कितना अप्रोच करता होगा, लेकिन मुझे पता है ना कि मुझे इन ऐसा चीज़ से दूर रहना है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जो ये सब चीज़ जो होता है ना, प्यार हो गया अभी नहीं छोड़ सकते, ये सब एक एक्सक्यूज़ है हमको ऐसा लगता है। तो अगर आपको पॉलीगेमी ख़त्म करना है या तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म करना है, वीमेन अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और बाकी वीमेन भी एक दूसरे को साथ देना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये चीज खत्म होगा, तभी जाके एक अच्छा मतलब एक अच्छा स्टेट बनेगा। क्योंकि ना क्या होता है कि ना जब फैमिली में ये सब चीज प्रॉब्लम चल रहा होता है ना, ज्यादा इफेक्ट बच्चों को पड़ता है। yes, exactly. उनका जो पढ़ाई से लेके उनका करियर से लेके एवरीथिंग, क्योंकि मेंटल पीस नहीं होता ना, और ये चीज जो पेरेंट्स नहीं समझते, जो लोग का घर में ये सब चीज होता है, जब अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जैसा भी आप सुनता है ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग का अरुणाचल में एवरीडे हम लोग न्यूज सुनते रहते हैं कि मतलब अरेस्ट हो गया है, कोई ऐसा कर दिया, और कितना पेरेंट्स लोग है जो अपना बच्चा को ये चीज से बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज किस लिए होता है? कभी कभी एक रीजन ना पेरेंट्स भी है वो रीजन, क्योंकि पेरेंट्स जब घर घर का माहौल खराब रखेगा तो कौन बच्चा घर में रहने मन होगा, है कि नहीं? तब जाके वो क्या करता है, बाहर जाके पीस लाइफ जीने के लिए उसने ये सब चीज यूज कर लेता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका, क्योंकि आपका जो करियर है वो तो खत्म हो गया, लेकिन अभी बच्चा का करियर तो बढ़ना है ना, और कल का डेट में अगर आप नहीं होगा, क्योंकि लाइफ का तो कोई नहीं बता सकता है, तो आप नहीं होगा तो फिर आपका बच्चा को तो मतलब अपना जिंदगी में आगे बढ़ना है, दुनिया को फेस करना है, तो क्यों आप अभी का मजाक के लिए अपना बच्चों का करियर को खराब करना है? तो आपको वो माहौल, अच्छा माहौल देना पड़ेगा। अगर आप अपना टाइम एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में रख देगा, इवन वुमेन फॉर वुमेन ऑल्सो, आजकल बहुत सारा औरतों भी ऐसा करता है ना, उसका पति अच्छा होता है लेकिन वो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, और जिसका वजह से वो अपना बच्चों को ध्यान नहीं दे पाता है। तो दिस इज फॉर बोथ द लाइक यू नो हस्बैंड एंड वाइफ, कि पहले आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, क्योंकि आप लोग ऐसा होगा तो आप लोग जो टाइम बच्चों को देना चाहिए वो टाइम तो आप बाहर में दे रहे हैं ना, वो टाइम आप किसी और को दे रहे हैं, तो इसीलिए ये माहौल जो बहुत मैटर करता है।
जैसे आपने कहा ना कि मतलब पेरेंट्स का झगड़ा का वजह से, घर में सुख शांति नहीं होने के वजह से, या माँ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पिताजी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वजह से बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। तो एक चीज़ मैं भी बताना चाहती कि मेरा भी एक फ्रेंड था, लड़का फ्रेंड, तो क्या हुआ कि उसका भी घर पे ना बहुत ये डोमेस्टिक वायलेंस ना एवरी डे रहता था, एंड दे बहुत अच्छा फैमिली से बिलोंग करते थे, बट क्या हुआ कि उस चीज़ में ना माँ पिताजी का झगड़ा में क्या होता है कि बच्चों लोग को भूल जाते हैं वो दोनों आपस में तो जो करना है झगड़ा वगैरह जो कर लेते हैं, एंड देन क्या होता है कि बच्चे पर जो मेंटल हेल्थ बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चीज़ को लेके क्या होता है कि बच्चा अलग डायरेक्शन में चला जाता है। तो वही आपने एक ये चीज़ बहुत अच्छा कहा है, तो आई होप जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं और उनके घर में भी ऐसा कुछ होता है, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर का भी सवाल है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छा बात कहा है। तो मैम ये हाल ही में एक वो हुआ था बलात्कार का केस ना, जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ था, तो हाल ही में हम सभी, हमारे जो सभी देश के लोग हैं उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन आप सभी को ये पता होगा कि जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं उन सभी को पता होगा कि जो एक डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में थी उनका बलात्कार किया गया, उनको मार दिया गया। तो ये बात मैं इसलिए रख रही हूँ कि मैम ऐसा देखा जाता है कि हम, जैसे मैंने कहा ना कि चार दीवारों के बीच सीमित नहीं है, लेकिन वो चार दीवार जो होता है ना उस पे हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारे जो वर्क प्लेस होता है उस पे हम लोग सबसे ज्यादा ऐसे सेफ प्लेस मानते हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा रेप केस सुनने को आया है डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में, तो महिलाओं की जो सुरक्षा, मेरा सवाल यही है कि जो महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हो या आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो? ऑब्वियसली इट इज लाइक इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जब भी और स्पेशली जब मेडिकल में होता है और वो इंसान का साथ होते हैं जो हम लोग को लाइफ देता है, लाइक डॉक्टर इज द सेकेंड गॉड, राइट? सो ये चीज़ बहुत डिस्टर्बेंस है, और ये जब ये चीज़ पता चला तो बहुत बहुत ख़राब लगा, लाइक यू वोंट बिलीव इट कि मैं खुद भी सिंस आई एम स्टेइंग अलोन इन दिल्ली तो इमेजिन कर रहा था, मतलब मुझे भी ये फील हो रहा था कि लाइक अरे आप एक वर्क प्लेस में भी और मेडिकल जैसे जगह वहाँ पे कौन लोग ऐसा करेगा सोचता है, तो ऐसे जगह में भी आप सेफ नहीं है। व्हाट अबाउट हर पेरेंट्स? एक मेडिकल कोर्स इज लाइक यू नो मेडिकल, सबसे हम लोग बोलते हैं ना कि लॉ और मेडिकल है जो आपको हमेशा पढ़ना होता है, तो एक मेडिकल जो कोर्स किया है उसने अपना 5 ईयर दिया होगा, 6 ईयर्स दिया होगा, और ट्रेनिंग में इतना देर है अपना जो समय है, तो वो इंसान का साथ ऐसा होना, तो कोई भी पेरेंट्स चाहेगा भी नहीं कि उसका मतलब बेटी अभी मेडिकल जाओ ना, क्योंकि मेडिकल में सेफ नहीं है, और शायद कोई हस्बैंड भी नहीं चाहेगा कि उसका वाइफ मेडिकल इतना रात को जाओ, नाइट ड्यूटी करने जाओ, क्योंकि अगर ऐसा ही सेफ नहीं होगा मेडिकल में तो कौन नाइट ड्यूटी करने जाएगा, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी तो कभी भी हो सकता है। सो ये चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ है जो हुआ है, तो जैसा अभी हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि सिंस लोग ऐसा सोचते हैं ना, जो लोग ये काम करता है शायद हमारा जो लो है थोड़ा वीक है शायद, इसीलिए ये सब चीज़ और कंटिन्यू होते जा रहे हैं। मतलब अभी तो ये समय में तो ये सब चीज़ कम हो जाना चाहिए था, हम लोग बोलते हैं कि नाउ मतलब जेंडर इक्वालिटी है 21st सेंचुरी में, बट हमको ऐसा लगता है कि लाइक विद टाइम का साथ और ख़राब होते जा रहे हैं चीज़, मतलब और जेंडर इक्वालिटी है बोलते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। जैसा अभी बीच में चल भी तो रहा था एक स्लोगन कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अभी बेटी पढ़ा तो दिया है लेकिन कैसे बचाओ, एग्जैक्टली दिस लाइक ये स्लोगन इतना मैच होता है कि आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब बेटी को पढ़ा लिया है, बेटी को मतलब अभी बचा नहीं पा रहे हैं, ऐसा एक सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि शायद देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रेप केस हो जाता है, आपको जेल ले जाता है, फिर आपको बेल भी मिल जाता है ना कुछ टाइम का बाद में, तो इसलिए इन लोगों को ऐसा लगता है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग टू डू ऑल दिस थिंग। तो ये सब चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर माहौल से भी बहुत मैटर करता है। मैं तो एवरी फैमिली को यही समझाऊंगी, एवरी पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना बच्चों को सिखाओ, अच्छा परवरिश दो,
ऐसा गलत काम करने से पहले जो लोग ने ये गैंग रेप किया है, जिसने एक इतना किसी का बेटी के साथ ऐसा किया है, वो भी तो किसी का बेटा होगा. जो लोग ने किया है वो भी तो किसी का बेटा है, उनका भी तो पेरेंट्स है. तो मैं ये मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ये सब चीज़ को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आप घर से सीख के जाता है. तो इसलिए यही कारण है मैं बोलती हूँ कि अपने बच्चों को ध्यान दो, अच्छा परवरिश दो, सो दैट उन लोग आगे जाके ऐसा गलत काम ना करें. तो अभी क्या हो गया कि कोई भी रेप करते हैं, या तो कोई भी मर्डर कर देते हैं, या तो कोई भी जैसे कि अभी आप जानते हैं कि बहुत ऐसा हो रहा है कि साइबर क्राइम हो रहा है. अभी एक नया एक था ट्रेडिंग वाला, जो YBY समथिंग, हाँ, तो वो YBY में कितना लोग ने इन्वेस्ट किया, लेकिन बहुत लोग डूब भी गया है. तो सिर्फ ये नहीं है, मेरा रिलेटिव लोग भी बहुत लोग ने किया था कुछ कुछ अलग में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, तो जहाँ पे उन लोग को 6 करोड़ ऐसा लूट गया है. तो कभी कभी ऐसा होता है ना, इन लोग को ऐसा लगता है कि लाइक क्या है, ज़्यादा ज़्यादा आप जेल जाएगा, जेल जाके आप निकल ही जाएगा बाद में, ये सोचता है. तो इस वजह से शायद बहुत सारा चीज हो रहा है, मतलब आज का डेट में. और जो मुझे ऐसा लगता है कि सच में भी ऐसा लॉ निकालना चाहिए, अगर गैंग रेप करता है और जिसका वजह से उसका डेथ हो जाता है, उसके लिए तो कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए. ये लॉ बहुत ज़रूरी है निकालना, नहीं तो मतलब कोई कोई लोग ऐसा होता है कि ना बाहर में कुछ कमाई नहीं होके, बहुत सारा लोग ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयड होता है आज का डेट में, जॉब मिलना इतना मुश्किल है. तो बहुत लोग क्या होते हैं कि कुछ तो काम करता है नहीं, उससे अच्छा ऐसा काम करके जेल में जाके बैठ जाएगा, वहाँ तो एटलीस्ट खाना पीना तो मिलेगा, राइट. कुछ लोग ऐसा भी तो सोचता होगा. सो हम लोग को ये चीज़, मतलब हमको ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाना बहुत ज़रूरी है, एक एग्जाम्पलरी वाला पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है, तब जाके शायद ये चीज़ नहीं होगा. अभी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, मतलब. और मेडिकल जो है उनका भी एक अलग से मुझे लगता है कि एक प्रोटेक्शन होना चाहिए उनके लिए भी, एक उन लोगों के लिए भी एक लो फ्रेम होना चाहिए, स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर में काम करता है, उन सभी के लिए भी, क्योंकि उन लोगों को नाइट ड्यूटी करना होता है, डे ड्यूटी करना होता है. तो उनके लिए एक स्पेशल लो फॉर्म होना चाहिए, जो स्पेशली जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए, जहाँ पे उसका प्रोटेक्शन भी होगा और जहाँ पे मतलब उन लोग के लिए राइट्स के लिए होगा. तो इस टाइप का एक लॉ भी फ्रेम करना चाहिए, रूल्स आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, विच इज़ वेरी नीडेड. क्योंकि अगर बाहर में होता है तो हम लोग को समझ में भी आता है, चलो बाहर में कोई नहीं था, लेकिन एक जैसे बोलता है ना कि एक मेडिकल एक मंदिर हो गया है, स्कूल एक मंदिर हो गया है, तो ऐसे जगह में आप सेफ नहीं होते, ऐसे जगह में कौन काम करेगा. तो मैम आपने जैसे कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपने बहुत अच्छा एक बात कहा कि बेटी को तो पढ़ा देगा लेकिन बेटी बचाओ का क्या. और इस चीज को लेकर मैं आप सभी को फिर से एक बात कहना चाहती हूँ कि हाल ही में दापोरिजो में 13 साल की एक बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया 5 पुरुषों द्वारा. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका अगर बलात्कार भी हो गया तो सामने आके कहते हैं, कुछ लोगों को कहने तक का मौका नहीं मिलता, उनका वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है. और हमें लगता है कि हमारा जो राज्य अरुणाचल प्रदेश वो काफ़ी सुरक्षित है महिलाओं को लेकर, लेकिन वक्त बदलता जा रहा है और ऐसा होना चाहिए कि वक्त के साथ जो सिक्योरिटी है, जो हमें जो महिलाओं को मिलनी चाहिए वो और कम होते जा रहे हैं. रेप केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. अभी हमें हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश को हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे, वो भी सुरक्षित नहीं है. तो मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि व्हाट डू यू सपोज द रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू पुट इन एक्शन एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड जस्टिस टू ऑल. जो अभी यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब वो चीज़ को सुन के एक 13 ईयर्स ओल्ड बच्चा को, हम लोग ऐसे सोचते ना कि अरुणाचल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल इस हमको ऐसा लगता है कि बहुत सेफ प्लेस है, लाइक सेफ स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश, आई फील लाइक सो बिफोर. सो जब ये सब चीज़ पता चलता है तो ऐसा लगता है कि लाइक सच में भी, जैसा अभी मैंने बोला है कि इन लोगों को एक अच्छा अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है. इनको भी पता चलना चाहिए कि जब आप ऐसा गलत काम करता है तो आपका साथ क्या हो सकता है. आप मतलब आप ये भी नहीं सोचा एक बच्चा को, मतलब उस नज़र से भी आप कैसे देख पाया. जब इन लोग बोलते हैं ना कि बहुत बार ऐसा भी बोलते हैं ना कि लड़की लोग ऐसा कपड़ा पहन के घूमते हैं, ऐसा कपड़ा पहन के घूमते हैं, तब जाके ये सब चीज़ होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ एक एक्सक्यूज है, रीज़न. मतलब अभी आप देखिए जो बच्चा 13 ईयर्स, उसको क्या पता, उसको कुछ भी पता नहीं है. सो उसको पता भी नहीं कि उसके साथ क्या गलत होने जा रहा है. तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था. और
कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पोक्सो, हम लोग हमेशा सुनते हैं पोक्सो इज लाइक केस इज अ वेरी सबसे क्रिटिकल केस पोक्सो है हम लोग मानता है और सबसे डेंजर केस भी पोक्सो है मानता है, लेकिन अभी तक भी लोग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ऐसा होता ना, आप जैसे मैंने आगे पहले बोला है बेल मिल जाता है वन पॉइंट में, तो इसलिए इन लोगों को ऐसा लगने लग गया कि बेल तो मिलना ही है, हम गलत कर देने से भी कुछ नहीं है, हम निकल ही जाना है, और अगर बेल नहीं भी मिलता है तो लाइक कुछ सालों का बाद में तो मतलब मिल ही जाना है, एंड देन आप फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा तो फिर अब अगर कन्विक भी हो जाते तो आप अपील करेगा ये वो, ये सब सोचता है बहुत लोग ना, तो और जैसे कि हम जैसा भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों लोग के साथ होता है ना उनके लिए जैसा भी 20 ईयर्स का पनिशमेंट है और या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि 20 ईयर्स का पनिशमेंट मिल जाता है और तो 20 ईयर्स के बाद लोग बाहर निकल ही जाता है, तो जो लोग जो सुनने वाला है उनको नहीं लगता है कि कुछ खतरा कुछ हुआ है, मतलब जेल जाके तो वापस आ ही गया है कि नहीं, बहुत लोग ऐसा सोचता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए भी एक जो अभी नया लॉ निकला है, या तो मुझे ऐसा लगता है कि पोक्सो के लिए भी एक नया लॉ निकलना चाहिए जो वेरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नॉट ओनली 20 ईयर्स का पनिशमेंट, नॉट ओनली लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हमको ऐसा लगता है कि उसमें भी जैसे अभी हम बोला जैसे जो गैंग रेप करता है एक छोटा उम्र का जो माइनर है उसके साथ करता है उसके साथ में, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हमदर्द होना भी चाहिए उसको, तो लाइक कैपिटल पनिशमेंट, ही डिजर्व दैट पर्सन यार, कैपिटल पनिशमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ होना चाहिए, और अरुणाचल में एक ऐसा भी है ना कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है कि प्रोसीडिंग बहुत जल्दी होता है, उसका एक लिमिटेशन टाइम होता है, तो अगर ये चीज़ आ जाएगा स्पेशली फॉर पोक्सो केसेस, वैसे तो पोक्सो केसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ईयर में ख़त्म हो जाते हैं या 2 ईयर्स, ज़्यादा 2 ईयर्स लगता है ऐसा लगता है, वो जल्दी हो जाता है, और फिर यहाँ पे केसेस भी तो बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, तो उस वजह से शायद टाइम वो भी होता है, बट हमको ऐसा लगता है कि लाइक अगर ना अरुणाचल में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट भी आ जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा, और फिर जो बस्ती बस्ती बैठने वाला है, जो अभी आपने जैसे बताया जो जगह में अभी ये हुआ है, शायद उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता होगा, उन लोगों को ऐसा लगता होगा कुछ नहीं अगर ऐसा कर लेने से बाद में सेटलमेंट कर लेगा ऐसा लगता होगा, तो उन लोगों को भी एक एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी के साथ ऐसा करता है तो आपका साथ बहुत खराब भी हो सकता है कि नहीं, तो उसको एक्सटेंड ये चीज को उनको बताना बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक पनिशमेंट देना चाहिए कि दोबारा ऐसा काम ना करें, तो हम लोग को हर बच्चा को भी स्कूल में, हर स्कूल में मुझे लगता है कि एवरी स्कूल में हो सके तो ये एक सेशन होना चाहिए फॉर माइनर चाइल्ड, लाइक फॉर लाइक किड्स, लाइक जो लोग अंडर जैसे कि क्लास 8 का जो नीचे है उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लास होना चाहिए, एक डिफरेंट क्लास होना चाहिए, सेशन होना चाहिए जहाँ पे उनको बता सके कि मतलब आपका गुड टच क्या होता है, आपको कौन सा माहौल में नहीं जाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका साथ कुछ गलत होने वाला है तो आप अपना सेफ्टी के लिए क्या कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये सब सेशन होना चाहिए, ये सब एक क्लासेस होना चाहिए कि आपका साथ अगर गलत हो रहा है, अगर आप ऐसा सिचुएशन में है तो आप क्या कर सकता है एट द मोमेंट कुछ सेफ्टी के लिए, होता है ना कि बहुत सारा आजकल तो बहुत सारा वॉचेस निकल गया है जहाँ पे आप मतलब सिग्नल दे सकता है अपना पेरेंट्स को, बट ये हर कोई अफोर्ड भी तो नहीं कर सकेगा बस्ती वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा एक सेटअप करना चाहिए बस्ती बस्ती में या तो स्कूल में कि अगर आपका साथ ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करना चाहिए, आपका क्या स्टेप होना चाहिए, और एवरी पेरेंट्स को अपना बच्चों को बताना चाहिए कि जब आप ऐसा मोमेंट में ऐसा सिचुएशन में फंस जाते हैं तो लाइक आप क्या कर सकते हैं, और बच्चों लोगों के साथ में हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्प्रे यूज करने के लिए सिखाना चाहिए, विच इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि अभी बच्चा लोग भी सेफ नहीं है, तो अगर आप पेपर स्प्रे लेके घूमता है बच्चा को भी एक मैंडेटरी कर देता है कि यू हैव टू कीप दिस, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हर हर क्या बोलते हैं ये फार्मेसीज में पेपर स्प्रे एक मतलब कम रेंज में सेल करने से बहुत अच्छा है, और हर बच्चा को ये चीज़ यूज़ करने देने से बहुत अच्छा है, अच्छा होगा। मैम जो आपका जो लॉफुल अप्रोच है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, वो इंटरनेशनल वहाँ तक है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज दिखता है इन रेफरेंस टू प्रोवाइडिंग जस्टिस और फॉलोअप को लेकर? लाइक बहुत सिमिलर ही है, बाहर का लॉस और यहाँ का लॉस में इतना अंतर नहीं है, बहुत सेम है, बट लाइक हम ये नहीं बोल सकते ना कि वहाँ का लॉ में ये नहीं है, यहाँ का लॉ में ये नहीं है, हम ये नहीं बोल सकता है, और लाइक दोनों सही है, देखो डिपेंड करता है आपका काम टू काम, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा केसेस होगा तो
मतलब जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में इतना सारा केसेस है, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो हर दिन, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर दिन 300 केसेस होते हैं, 200 केसेस होते हैं, मोर देन दैट केसेस होता है आज का डेट में. तो इसलिए मतलब आप वहाँ भी ब्लेम नहीं कर सकता है. तो मतलब डिपेंड करते हैं केसेस टू केसेस, तो सब ठीक ही है. कुछ कुछ लॉज डिफरेंस है, जैसे कि हमारा जो इंडिया हो गया और फिलीपींस हो गया, जहाँ पे क्या होता है कि आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपका आप ओनर बन सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी में, आप ओनर बन सकता है. बट वियतनाम में ऐसा नहीं है. वियतनाम में जो स्टेट आपको लीज में देता है. तो ये सब कुछ कुछ डिफरेंस है. तो हम लोग का लॉज और फिलीपींस का लॉज बहुत सिमिलर है, वियतनाम का थोड़ा सा अलग है. बट जस्टिस तो सभी जगह में देता है, सिर्फ वही कि कोई कोई जगह में टाइम लेट हो जाता है, कोई कोई जगह में जल्दी दे देता है. तो वही है. ओके, तो आप एज अ यू एज अ लॉयर ना, yes, तो आप एक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हो, तो आपका मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हमने जितना देखा है लॉयर लोगों कि आप उनका एक पर्सनल लाइफ नहीं रहता है, बहुत बिजी होता है. एक केस मिलते, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत केस मिलते तो फिर उसको स्टडी करना है, उसका पूरा हिस्ट्री को देखना है, वो सब चीज बहुत सारा चीज होता है. तो क्या क्या चैलेंजेस आता है आपको, लाइक पर्सनल लाइफ को भी लेकर या आपका करियर को लेकर, किस तरह से आप बैलेंस करते हो वो चीज़ को? ऑब्वियसली बहुत सारा चैलेंजेस आता है. मेरा तो मेन चीज़ क्या है कि मुझे बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है, कभी यहाँ अटेंड करना पड़ता है और कभी मतलब दिल्ली में अटेंड करना पड़ता है. तो अभी रिसेंटली एक बैंकॉक का केस भी मिला है. अभी मुझे सब मैंने आगे बताया आपको कि मुझे 22 को वहाँ के लिए निकलना होगा, जबकि मेरा प्लान था कि 22 को मैं मतलब पेरेंट्स के पास जाके फिर वापस आऊँगी. तो हाँ, ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस होता है और अपना लाइफ का पर्सनल लाइफ नहीं होता है. मतलब आपका लाइफ में ऐसा हो जाता है कि कोर्ट ना, ऑफिस, उसके बाद में सोशल मीडिया, ऐसा हो जाता है. तो इतना बिजी हो जाता है. तो अभी रिसेंटली भी ऐसा हुआ, लेकिन ये ऐसा सिचुएशन है ना, जैसे कि आपको ऐसा होता है कि आपका जो टेंशन है ना, जो हर केस का, और स्पेशली मेरा तो ये है कि मैं हर केस को दिल से लेती हूँ. तो मेरे लिए ऐसा है कि पहले एक समय था, मैं मम्मी को मतलब लाइक 1 आवर बात करती थी एवरी डे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, और जब मैं स्ट्रगलिंग पॉइंट में था तो मम्मी को मैं एवरी डे बात करती थी और एवरी डे बताती थी कि मम्मी आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ. बट नाउ दिस, मतलब मम्मी को मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ अभी. मम्मी भी दुख करता होगा कि हम मतलब उसको कभी इतना ज़्यादा कॉल नहीं करते, आजकल उसके पास टाइम ही नहीं होता है. लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, टाइम तो क्यों नहीं, पेरेंट्स के लिए हमेशा टाइम होता है. पेरेंट्स दे आर माय फर्स्ट प्रायोरिटी. मतलब थिंग्स क्या होते हैं ना, अभी ऐसा हो जाता है, अभी का जो टेंशन है ना वो एक अलग लेवल में टेंशन होता है. क्योंकि आप किसी का लाइफ भी आपका हाथ में अभी है कि नहीं. तो आप ऐसा सोचते हैं ना कि देखो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, वो आपका दुख सुख या आप तकलीफ समझ लेता है उन लोग. मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा कोई और नहीं होगा जो आपको समझ सकता है. सो क्या होता है कि उन लोग बचपन से हमको जानते हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम उन लोग को कॉल करेगा तो दे विल नो कि हम टेंशन में हैं. तो हम नहीं चाहते कि उन लोग ये चीज़ को टेंशन लो, क्योंकि देखो उन लोग का टेंशन और हमारा टेंशन बहुत अलग होता है. उन लोग शायद अभी जो मैं टेंशन लेती हूँ, शायद वो टेंशन को उन लोग ना ले पाए ये एज में. मेरे लिए ये एवरी डे का टेंशन है. सो मे बी उन लोगों के लिए वो सेम ना हो, उन लोगों के लिए वो बहुत बड़ा टेंशन हो. और स्पेशली जब बच्चा लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो पेरेंट्स तो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाता है. तो इसलिए उस वजह से कभी कभी मतलब अभी मैं ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करती हूँ. मैं सोचती हूँ कि अगर मैं फ़ोन करूँगी तो ऑब्वियसली मम्मी तो जान ही जाएगा, माई मॉम इज़ वेरी स्मार्ट. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जान ही जाएगा. तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो जान जाएगा, फिर फालतू में वो भी टेंशन हो जाएगा. और एट दिस एज आई डोंट वॉन्ट टू गिव टेंशन टू हर ऑल्सो. तो ऐसा होता है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी होता है, अपना पर्सनल लाइफ नहीं होता है. बट ये प्रोफेशन अच्छा है. अगर आपका केस पॉजिटिव हो जाता है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट काम आपने किया है, ऐसा फील होता है, और आप किसी को एक स्माइल दे पाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आज हमने किसी का लाइफ में एक खुशी लाया है, ऐसा एक फील होता है. तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. आई लाइक हम तो हमेशा 3-4 hours ही सोते हैं, जिस वजह से मेरा स्किन भी पूरा खराब हो गया अभी ना. नहीं, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, मतलब नहीं सोने की वजह से मेरा स्किन पूरा खराब हो गया, धूप अच्छा से नहीं मिलने की वजह से, है ना. तो उस वजह से तो यही है, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा लाइफ कोर्ट, ऑफिस और सोशल मीडिया. तो मैम, आपका बहुत सारा बात सुना, बहुत अच्छा लगा. तो आपसे ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल नहीं, जैसे कि आप जो जिस मुकाम पे हो वो बहुत ही काबिले तारीफ है, एंड वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू. और आपका जो आप
जो हमारे आजकल के युवा है या फिर खास करके जो महिलाएं हैं उनको कोई आपकी तरफ से मैसेज देना चाहते हो, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आपकी तरफ से कोई मैसेज? हाँ डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कि ना वुमेन लॉयर जो होता है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि लड़की लोग तो लाइक ये प्रोफेशन में होने से भी शादी हो जाने के बाद में मतलब ये प्रोफेशन से गायब हो जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आप चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन उल्टा ज़्यादा सिंसियरली से कर सकेगा। तो आप लोग को मैं यही बोलूँगी कि लाइक मतलब लॉयर बनना ही जरूरी नहीं है, आप लॉ पढ़ के रखिए, अपना राइट्स जानने के लिए पढ़ के रखिए, और जितना हो सके मतलब खुद के बारे में जानना चाहिए कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपना राइट्स को जानना चाहिए। और प्लस अगर ये प्रोफेशन में आपको हाँ तकलीफ मिलेगा फर्स्ट में, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मतलब अच्छा ही होता है, जैसे कि हमने भी बहुत मेहनत किया है, तो मेहनत करने से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुमकिन ही है। ऐसा मत सोचिए कि आप वुमेन है तो नहीं कर पाएगा, उल्टा आज के डेट में वुमेन्स लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, लॉ प्रोफेशन बहुत अच्छा से कर रहे हैं। और मैं यूथ्स को ये बोलना चाहूँगी कि जो भी यूथ्स है, अपना फैमिली अपना पेरेंट्स को प्यार कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका पेरेंट्स लोग कब तक आपका साथ है, कब वो आपको छोड़ के भी चला जाएगा, यू नेवर नो। इसलिए जितना हो सके पेरेंट्स को प्यार कीजिए। आप जब अर्न करने लग जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपका पेरेंट्स भी है, बहुत बार ऐसा होता है और हम लोग उसको टाइम भी नहीं देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना, जब आप पेरेंट्स के बारे में सोचता है तो आप ना आपका हर एक चीज़ पॉजिटिव हो जाता है। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, जब मैंने सोचा कि ना मैंने जब पहले गाड़ी खरीदा था तो मैंने सबसे पहले अपने लिए नहीं लिया, मैंने पेरेंट्स को गिफ्ट किया, तो मेरा दिमाग में मेरा दिमाग में ऐसा है कि मैं पेरेंट्स को गिफ्ट करूंगी। वैसे तो उन लोगों के पास ऑलरेडी कार था, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये एसयूवी है सो उन लोगों को ज़्यादा कंफर्ट होगा, तो मैंने उन लोगों को जब मैंने सोचा जब उनको कार गिफ्ट करूंगी, जैसे उनको कार गिफ्ट किया 2 मंथ्स के अंदर में मैंने अपने लिए भी ले लिया, तो वो मुझे ऐसा था कि उनका ब्लेसिंग है क्योंकि मैंने उनको दिया, तो वो इनडायरेक्ट मुझे ब्लेसिंग मिला कि मैंने भी 2 मंथ्स के अंदर में ले लिया। तो जैसे मैंने मम्मी पापा के लिए मैंने सोचा कि हाँ हम मम्मी पापा के लिए ऑलरेडी उनका घर तो है ना, ऑलरेडी है, बट वो घर बनाए 2007 और 2008 ऐसा में, तो बहुत पुराना है, तो और मम्मी पापा लोग ने सब कुछ हम लोग को ऊपर में रख दिया, जैसे कि सब कुछ मतलब हम लोग को ऊपर में ही फाइनेंस किया है एजुकेशन में, माय ऑल सिस्टर्स हम लोग सबको एक अच्छा एजुकेशन दिया, तो कभी दोनों अपना बारे में सोचा नहीं। तो जैसे मैंने सोचा कि हाँ पापा मम्मी के लिए एक मतलब अच्छा एक बिल्ड मतलब ऑलरेडी बिल्डिंग तो है और एक अच्छा एक बिल्डिंग बना देगा, जैसे बहन हम लोग सब मिल के सोचा, ऐसे सोचने के साथ साथ मैंने दिल्ली में अपना घर ले लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जब आप पेरेंट्स के बारे में सोचता है, दिस इज़ माई एग्जाम्पल, सो जब आप पेरेंट्स के बारे में सोचता है ना तो इनडायरेक्टली से आपको ब्लेसिंग मिलता है, तो आप अपने लिए भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी को जो यूथ्स है मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी कि आप लोग ड्रग्स मत लीजिए और आप लोग गलत काम को ज़्यादा मत कीजिए, मतलब ज़्यादा क्या मत कीजिए, हाँ लाइफ में एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ कुछ चीज़ को, तो वो कीजिए, तब तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी तो आप जानेगा लाइफ क्या है। लेकिन अपना जो पेरेंट्स है हमेशा उसको आपका नंबर वन रखना चाहिए, उनको वो प्यार देना चाहिए, और अपना जो करियर है उसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि करियर आगे होगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अच्छा होता है। और जितना लेडीज़ है जितना विमेन्स है उन सभी को भी मैं ये सजेशन दूंगी कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको टॉलरेट मत कीजिए, आप स्टैंड लीजिए, अपने लिए बोलिए, उनको बताइए कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर में ही है, उसको कैसे अच्छा लेके जाना है ख़राब लेके जाना है। आप अगर अच्छा करेगा, हस्बैंड को भी आप अच्छा से समझाएगा, तो बहुत चीज़ अच्छा हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका हस्बैंड को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, राइट? तभी तो जाके आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। हम हमेशा मेल को ही मतलब ब्लेम नहीं कर सकता है, कभी कभी विमेन के अंदर में भी गलती होता है, तो आपको जानना चाहिए कि कहाँ पे गलती हुआ है और कहाँ पे नहीं हुआ है। और जब आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसको आप टॉलरेट मत कीजिए, आप स्टैंड लीजिए, आप जाइए, आजकल बहुत सारा अवेयरनेस चलता है।